इंदौर की छावनी मंडी में चने की आवक धीरे धीरे बढ़ने और कमजोर मांग के साथ नाफेड द्वारा बिकवाली शुरू होने से मंडियों में चने के दाम घटकर बोले जा रहे हैं। इंदौर में 3 दिन में चना कांटा करीब 100 रुपए तक टूट गया। शनिवार को चना कांटा घटकर 4650 से 4675 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। इन दामों पर भी व्यापार बेहद कमजोर है। नाफेड द्वारा कई राज्यों में केंद्रीय पूल से चने की बिक्री शुरू करने से कीमतों पर दबाव बना है। वही नाफेड ने मूल्य समर्थन योजना के तहत 17 जून 2022 तक MSP पर 24,39,227 टन चना की खरीद की है। FCI ने 2022 रबी सीजन के दौरान स्कीम के तहत PSS के तहत 17 जून 2022 तक 5,230 रुपये के MSP की दर पर महाराष्ट्र में 73,316 टन चना की खरीद की है। चने की सरकारी खरीद गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के साथ ही कर्नाटक में बंद हो गई है। इधर मूंग दाल में ग्राहकी का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण भाव में करीब 200 रुपये की गिरावट रही, जबकि मूंग के दाम में स्थिरता। मसूर में ऊंचे दामों पर लेवाली कुछ कमजोर रहने से भाव में आंशिक गिरावट रही। इसके समर्थन में मसूर दाल भी करीब 50 रुपये टूट गई। वहीं उड़द तुअर में कामकाज सामान्य रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।